खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई के सुपेला में सामाजिक संगठन आगास के केंद्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश तिवारी ने अपने 40 कार्यकर्ताओं के साथ आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विचित्र राज एवं प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी नेताओं के नेतृत्व में सामाजिक संगठन आगास के प्रमुख साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजेश तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस शुचिता और दूरदर्शिता से राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी 90 सीटों पर आप पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, हम केवल चेहरा मात्र हैं, चुनाव तो जनता लड़ेगी। विचित्र राज एवं कोमल उपेंडी ने राजेश तिवारी का अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए विश्वास प्रकट किया कि वे आम आदमी पार्टी की विचारधारा और राजनीति के मानदंडों को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय कार्य करेंगे। सौभाग्य की बात है कि मैं मेरे साथी के सहित मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूं। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के बदुल भाई साहब हैं, आलम मधु आलम जी, मेहरबान सिंह जी हैं, मैडम हैं, ज्योति मैडम हैं। तो हम आम आदमी पार्टी में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक फंडामेंटल राइट पहुंचाए, समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको बिजली पानी कम से कम मिले, कम से कम बिजली पानी और आवास की, शिक्षा की, उनके बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित तौर पे अभी आम आदमी पार्टी में अलग अलग क्षेत्र के लोग हम ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज संस्था के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनकी सारी टीम आज आम आदमी पार्टी में आई है। निश्चित तौर से उनका स्वागत है, स्वागत करते हैं अपन, और इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। और लोग आज बदलाव चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी हम देख रहे हैं। प्रदेश के लोग आज अरविंद केजरीवाल की तरफ निगाह डाल के देख रहे हैं। प्रदेश के लोगों को चाहिए ईमानदार सरकार।